गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, आवाज आ रही है आपको? अपने हैंड रेज करें अगर आपको आवाज आ रही है। ओके गुड, तो मैं हूं आपकी दोस्त ममता पवार और आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एज अ करियर ऑप्शन। तो हमारे साथ एक नई गेस्ट हैं आज, डॉक्टर अभिलाषा पाठक, जो कि DIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन की। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका जो ज्ञान का सागर है आप बच्चों से शेयर करें। प्लीज मैम। हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, हेलो गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? ऑल वेल? चलिए, सो आई एम आर्किटेक्ट अभिलाषा पाठक और मैं DIT यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ और रिसेंटली मैंने अभी अपना घर भी डिजाइन किया था। और सो आई एम, मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि आप लोगों को प्रेरित कर सकूँ कि आप भी आर्किटेक्चर और डिजाइन को अगर 12th के बाद अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या गाइडेंस की जरूरत होगी, वो आज मैं आपको बताने आई हूँ। तो आई होप आप सब लोग तैयार हैं। यस, तो आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? बच्चों दिख रही है? पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्या आप कभी इन खिलौनों के साथ में खेले हैं बचपन में, जिसमें आपने ब्लॉक्स को ज्वाइन किया हो या कुछ घर घर बनाया हो, ये छोटा मोटा जैसा आपको ये दिख रहा है, आप जरूर खेले होंगे, राइट? तो अगर हम इसी खेल और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, और वास्तुकला का मतलब है बिल्डिंगों को डिजाइन करना। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, क्या ये आपके मन में कुछ क्वेश्चन पैदा करता है करते हैं कि ये देखिए कैसा फॉर्म बना हुआ है, किस तरीके का ये डिजाइन है, ये कैसे बना होगा, राइट? तो ये जो हम जैसे आर्किटेक्ट्स हैं, जो डिजाइनर्स हैं, और अगर आप फ्यूचर में इसको ऑप्ट करते हो तो उसके लिए इस तरीके की डिजाइनिंग के लिए किस तरीके की नॉलेज चाहिए, वो आप लोगों को आज हम बताने आए हैं। तो अगर आपको ये बिल्डिंग्स कुछ फैसिनेट करती हैं, कुछ इसमें आपके इंटरेस्ट पैदा करती हैं आपके मन में, तो हम जरूर इसको आगे देखते हैं कि कैसे। सो आगे जैसे कुछ और बिल्डिंग्स भी हैं, लाइक बिल्डिंग्स लाइक दिस, जहां पर फॉर्म एकदम अलग है, कहीं राउंड है, कहीं स्क्वायर है, कहीं अलग है। सो ऑल दीज बिल्डिंग्स जो हमें बहुत ज्यादा हमारे मन में क्वेश्चंस पैदा करती हैं, वो अगर आपके मन में है तो वी स्टार्ट। तो अब एक क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जैसे आप अपने मन में पूछेंगे कि डू यू फाइंड योर सेल्फ क्रिटिसाइजिंग द प्लानिंग ऑफ योर हाउस, इसका मतलब है कि क्या आप अपने घर में कभी आपने ये फील किया है कि काश मेरा घर ऐसा नहीं ऐसा होता, ये कमरा यहाँ नहीं, ड्राइंग रूम ऐसा होता, मेरा जो रसोई है वो इस तरीके से होती। आप सबके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में ये जरूर कभी ना कभी आया होगा। तो अगर ये चीजें आती हैं, इसका मतलब कि आपके घर में डिजाइन की कमी है, जो कि इंडिया में स्पेशली नॉर्मली बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि लोग अपने घर को ठीक से डिजाइन नहीं कराते हैं और कुछ भी बनवा लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम आगे देखते हैं, क्या अगर ऐसा है तो क्या आप एक अच्छे घर की का सपना देख सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ बेटर फीचर्स इन अ हाउस, जहाँ पे एक सुंदर सा घर बना हो, बहुत सुंदर सा डिजाइन हो, पानी भी हो उसमें, वाटर बॉडीज हो, लाइटें हो, घर का सुंदर सा एनवायरनमेंट जो हमारे मेंटल हेल्थ को भी बहुत अच्छा रखेगा। तो अगर हम इस तरीके की फीलिंग्स को रखते हैं तो आर्किटेक्चर और डिजाइन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो आप अपने करियर के लिए चूज कर सकते हो। तो आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, अगर आपके पास एक आर्ट, क्रिएटिविटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सब का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा भी है, जैसे आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, अभी आप अन्य टेंथ में आर्ट्स भी पढ़ी होगी, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो अगर उसका थोड़ा सा भी आपके पास, अगर 5% भी आपके पास इंटरेस्ट है, नॉलेज तो हम नहीं कह रहे हैं, नॉलेज तो हम देंगे आपको, अगर आपके पास 5% भी उसका इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा आउटपुट है। सो देन यू वुड लव टू बी एन आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट जो है इस तरीके से काम करता है कि जहाँ पे हम बिल्डिंग्स, चाहे वो मॉल हो, किसी का घर हो, हॉस्पिटल हो, रेसिडेंस हो, जो भी हो, वो डिजाइन करना आप सीखते हो। तो DIT यूनिवर्सिटी जो है, वी हैव आर्किटेक्चर एंड डिजाइन
के दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जहां पर आपके पास बहुत सारे फील्ड्स मिलेंगे जिसमें आप उसपे स्टडी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले सबसे पहले बताऊंगी कि बीआर्क, बीआर्क का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक कोर्स है, राइट, 5 साल का ये कोर्स है और डीआईटी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एंड डिजाइन के अंदर हम इसको करवाते हैं और मैं वहां पर एक फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ वहां पर। आपको और बता दें कि डीआईटी यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट आर्किटेक्चर प्रोग्राम को कैरी करता है उत्तराखंड रीजन में। तो अगर आप उत्तराखंड में ही पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज की अगर आप रेटिंग देखेंगे आर्किटेक्चर के लिए तो वो डीआईटी मिलेगा आपको। तो डीआईटी में हम ये सब करवाते हैं जहां पर बच्चों को आर्किटेक्चर की नॉलेज दी जाती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, क्या आप इसके लायक हो कि नहीं, लाइक दैट। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है इसमें आपको क्या करना होगा ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू नीड इज कि यू नीड 10+2 मतलब 12th के जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए फ्रॉम पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आपने बायो लिया है तो आप आर्किटेक्चर नहीं ले सकते हो। तो फर्स्ट इज कि यू शुड हैव पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स और 50% अगर आपके मिनिमम मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आर्किटेक्चर में अकेले 12th के मार्क्स से काम नहीं चलेगा, आपको एक एग्जाम होता है जो नीचे लिखा हुआ है स्लाइड में आप देख रहे होंगे, नाटा। नाटा का मतलब होता है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो ये जो नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये एक तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो दिल्ली में स्टेटेड है, सिचुएटेड है इन यू नो इट्स अ गवर्नमेंट दिस थिंग, एंड वो ऑर्गेनाइज करती है इस टेस्ट को। तो उस टेस्ट का सिलेबस एंड ऑल सब मिलता है इंटरनेट पे और बाजार में बुक्स भी मिलती हैं। तो वो आपको नाटा क्लियर होना चाहिए। तो नाटा जब क्लियर आप कर लेंगे और साथ में आपके मिनिमम 50% मार्क्स हैं, 50 से कम होंगे तो फिर आपको यू नो सो देन अगर मिनिमम 50% और नाटा क्लियर है तो आप डीआईटी में आर्किटेक्चर के लिए एलिजिबल हैं। तो क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए इस समय यही है कि आप इसके लिए एलिजिबल कैसे हैं। क्लियर है? अगर बच्चे आपको क्लियर है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। जो मैम ने अभी समझाया है आपको, अगर आपको समझ आ गया है तो हैंड रेज करें। गुड, वेरी गुड। सो ये तो एलिजिबिलिटी है। अब हम आगे और देखते हैं कि आर्किटेक्चर एज करियर ऑप्शन जब आप लेते हो तो आप क्या क्या कवर कर सकते हो। जैसे आप यू नो आप इसमें क्या क्या सीख सकते हो और कैसे स्पेशलाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हो। तो आर्किटेक्चर एक तो मेजर हो गया जिसमें आप आर्किटेक्चर का काम करेंगे, रेसिडेंस डिजाइन, मॉल, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल एंड सो ऑन, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसमें है, लाइक आप एक सर्वेयर के जैसे काम कर सकते हो, आप एक प्रोफेसर के जैसे जॉब कर सकते हो, देन यू कैन ऑल्सो वर्क एज कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इंटीरियर डिजाइनर, और आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हो, लैंडस्केप आर्किटेक्चर का काम कर सकते हो एंड बहुत सारे इसमें मतलब इसके फील्ड। जैसे डॉक्टर होता है तो जब आप डॉक्टरी पढ़ते हो तो कोई आई स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई हड्डी का डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर तो वो भी रहता है। तो सेम वे आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही उसमें जाना है। तो आपके पास बहुत सारे, ग्राफिक डिजाइनर का भी काम कर सकते हो, एक हिस्टोरियन का काम कर सकते हो, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं मंदिर और किले वगैरह उनको प्रिजर्वेशन कैसे करना है वो भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्कोप हैं, सिर्फ ये अकेला ही नहीं है, राइट। तो ये था आर्किटेक्चर के बारे में, जहां पर आपने ये देखा कि इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 और नाटा क्लियर होने से आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एज अ करियर ऑप्शन में अब हम बात करते हैं इंटीरियर डिजाइन और डिजाइन की। तो जो डिजाइन शब्द है ये एक अलग स्टाइल, आर्किटेक्चर की ही एक ब्रांच है, बट इसमें थोड़ा सा आपको यू कैन से कि आप इसमें थोड़ा सा और स्कोप आपको मिल जाता है फॉर एडमिशन एंड फॉर वर्किंग एंड सो ऑन। तो अगर हम देखते हैं कि डिजाइन और इंटीरियर डिजाइन एज अ करियर ऑप्शन, तो आपको क्या क्या स्टेप्स आपको देखने होंगे।
तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? जब आप डिजाइनर बनना चाहते हो तो आपके अंदर थोड़ा सा सेंस, कलर, ज्योमेट्री, आर्ट, इन सब की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी होनी चाहिए, और अगर आपके पास है तो देन डिजाइन इज द राइट चॉइस फॉर यू। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग, कि जब आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है, आपका जो टैलेंट है जिसको हम कल्टीवेट करेंगे आकर, जैसे आपको ये चेयर बनानी है, आपको एक प्रोडक्ट डिजाइनर बनना है या आपको एक डिजाइनर बनना है, तो उसके लिए क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इनोवेशन होना जरूरी है, जो हम सिखाते हैं। तो बहुत बच्चे डरते हैं कि हमें आता नहीं है तो हम यू नो आई विल नॉट टेक दिस फील्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको सिर्फ अपने दिमाग में एक फ्लेयर रखो और बाकी सब चीजें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। क्वेश्चन आता है कि मैं क्या बनूंगा, मतलब या बनूंगी, व्हाई शुड आई बिकम एन इंटीरियर डिजाइनर या डिजाइनर ओनली। तो यहां पर एक मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि एक तो होता है एक इंटीरियर डिजाइनर जो आप लेफ्ट में देख रहे हैं ग्रीन कलर के सर्कल में, एक आप देख रहे हैं इंटीरियर डेकोरेटर। तो इन दोनों में फर्क है। अगर कई बच्चे इसको इंटीरियर डेकोरेटर को और डिजाइनर को मर्ज कर देते हैं, तो इसका हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है। ये तो सबसे पहले कौन सी एजुकेशन आपके लिए काम करेगी, व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो लेफ्ट में डिप्लोमा दिया हुआ है, राइट में डिग्री है, राइट। अब हम डीआईटी में आपको डिजाइन की भी डिग्री देते हैं, जो डिग्री है वो 4 साल की देते हैं, और डिग्री में एक यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन होता है, और साथ में इसमें ट्रेन्ड फैकल्टीज होते हैं और प्रॉपर टेक्निकल और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ में आपको ये पूरा 4 साल का कोर्स कवर करवाया जाता है। लेफ्ट में अगर आप देखते हैं तो डिप्लोमा या तो ये 1 साल का या 2 साल का होगा, और जनरली कोई पॉलिटेक्निक या ट्रेनिंग स्कूल या छोटा मोटा कोई स्कूल जो है वो आपको कराएंगे, एंड उसमें जो फोकस जो रहता है वो छोटा मोटा, बस आपको कलर, कारपेट चेंज करना, पेंट कैसे करना है, थोड़ा सा डेकोरेशन जो आप आपकी मम्मी भी कर लेंगी, वो एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा हाई करके बताते हैं, तो वो टेक्निकल नहीं होता है। तो इसलिए आई विल ऑलवेज से कि आप कहीं से भी करिए, बट गो फॉर डिग्री, डोंट गो फॉर डिप्लोमा, राइट। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको स्टेज पे जानना काफी जरूरी है। अब आती है बात एलिजिबिलिटी की, कि हमने बीआर की एलिजिबिलिटी की बात तो कर ली कि 10+2 मतलब 12th और नाटा देने से आपको बीआर में जो कि 5 साल का कोर्स है वो उसमें एडमिशन मिल जाएगा। अब अगर डिजाइन का कोर्स करना है आपको, चाहे वो इंटीरियर डिजाइन हो, यूएक्स हो, यूआई हो, वीजीए हो, इसके फुल फॉर्म वगैरह मैं भी बताऊंगी आपको, तो अगर कोई भी डिजाइन का कोर्स करना है तो एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी है डीआईटी यूनिवर्सिटी में जो एलिजिबिलिटी है वो 4 साल की डिग्री कोर्स के लिए आपके पास मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड में, बस और कुछ नहीं। ना आपको नाटा देना है, नीदर यू हैव टू गिव एनी अदर एग्जाम। तो अगर आपके 12th में 50% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं तो आप डिजाइन का कोई भी कोर्स आकर के कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, क्लियर। इसमें आपको कुछ कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल या कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो ये थी एलिजिबिलिटी डिजाइन कोर्स के लिए, चाहे वो इंटीरियर डिजाइन हो या वो कोई और हो। अब एज अ अगर आप डिजाइनर बनना चाहते हो, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो या डिजाइनर का रोल परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस है कि सिर्फ डिजाइनर को आप प्रोडक्ट डिजाइनर जो कि एक प्रोडक्ट बनाएगा, जैसे कि एक पेन है तो ये पेन भी एक डिजाइनर ने बनाया है, अब ये प्रोडक्ट है, माइक है, यू नो प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग, कोई भी सामान जो डिजाइन किया जाता है। फर्नीचर डिजाइनर मतलब कि कुर्सी, टेबल, यू नो चेयर, पलंग, यू नो अलमीरा, बहुत सारे। तो फर्नीचर डिजाइनर जैसे हमारे पुराने जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे एशियन पेंट्स में हैं, कुछ बच्चे गोदरेज कंपनी में हैं, तो गोदरेज कंपनी जैसे कि अलमारी बनाती है, सोफास बनाती है कंपनीज में, तो ऐसे भी आप स्पेसिफिकली भी कंपनीज में जाके एज अ डिजाइनर काम कर सकते हैं। फिर एक है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, तो जैसे यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर मतलब यूएक्स यूआई, तो इसमें आजकल जो आप अपने फोन देखते हैं ना, तो आपके फोन में मान लीजिए आपको स्विगी जोमैटो में कुछ ऑर्डर करना है, आपको पिज्जा ऑर्डर करना है, तो वो जो ऐप है
उस ऐप के अंदर आप कैसे 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 एक एक स्टेप जाएंगे और कैसे ऑर्डर करेंगे, क्या चॉइस होगी, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कोर्स भी डीआईटी में होता है और उसको यूएक्स यूआई कहते हैं। तो इस तरीके के जो ऐप से रिलेटेड और फोन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसमें हम यूएक्स एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस वाले डिजाइन को इंक्लूड करते हैं। फिर आप एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, जैसे कि यू नो इंटीरियर डिजाइनर मतलब पूरा आप एक, आजकल कोविड के बाद से तो अंदर घर के स्पेसेस को काफी इंपॉर्टेंस मिलने लगा है, लोगों के ऑफिस घर के अंदर हो गए हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे थे और अभी भी वो कल्चर चल रहा है। तो इंटीरियर डिजाइनर जो है और इंटीरियर डिजाइनर नॉट ओनली फॉर रेसिडेंसेस लेकिन मॉल्स, होटेल्स और अपार्टमेंट्स, इन सब में भी सारा इंटीरियर डिजाइन किया जाता है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में लाइक मुंबई, दिल्ली, यहाँ पर ज्यादा स्कोप है क्योंकि वहां पर स्पेसेस कम है। इसके अलावा एज अ डिजाइनर ये नॉलेज से ही आप एक सेट डिजाइनर भी बन सकते हो। तो हम लोग डीआईटी में ट्रिप भी लेके जाते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स हर साल लेके जाते हैं। तो लास्ट टू लास्ट ईयर हम लोग बॉम्बे लेके गए थे कोविड से पहले मतलब, तो वहां पर फिल्म सिटी में हमने बच्चों को इंडियन आइडल का सेट दिखाया था और उसमें वो लाइटिंग, फ्लोरिंग कैसे सेट बनता है हर इवेंट के लिए। तो वो भी एक जॉब है जो इंटीरियर डिजाइनर के कोर्स करने से या डिजाइन के कोर्स करने से आपको उसमें, क्योंकि आपके पास डिजाइन का सेंस आने लगता है, तो आप एक सेट डिजाइनर भी बन सकते हैं। फिर आप इंटीरियर एलिमेंट्स एडवाइजर, इंटीरियर स्पेस कंसल्टेंट, एग्जीबिशन डिजाइनर, कहीं एग्जीबिशन वगैरह लगती है तो वो, पोर्टफोलियो डिजाइनर, ग्राफिकली आप कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, मॉडल मेकर, ब्लॉगर भी बन सकते हो, अच्छे अच्छे घरों को आप कवर कर सकते हो ब्यूटिफुल, एंड दैट कैन ऑल्सो बी योर प्रोफेशन। फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं डिजाइन के, देन यू कैन बिकम इन लाइटिंग डिजाइनर। लाइटिंग डिजाइनर जो आप ये सब लाइट्स देखते हैं आपके क्लास में, जो फैंसी वाले लाइट्स होते हैं, इसको डिजाइन कर, फैंसी या नॉर्मल भी, ये डिजाइन करने के लिए भी अलग कंपनीज होती हैं और ये इनको भी डिजाइनर्स चाहिए होते हैं क्योंकि हर बार नया लाइटिंग इक्विपमेंट चाहिए होता है। तो एज अ लाइटिंग डिजाइनर भी आप फैक्ट्रीज में और ऑफिस में काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिजाइनर, हेल्थ केयर डिजाइनर मतलब हॉस्पिटल्स एंड ये सब चीजें, कॉर्पोरेट डिजाइनर जो सिर्फ ऑफिस डिजाइन करते हैं, कॉल सेंटर और यू नो किसी का भी ऑफिस एंड ऑल। फिर इंटीरियर डेकोरेटर, डेकोरेटर का मतलब जो छोटे मोटे यू नो आपके स्पेसेस को और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेकर के भी अपना काम चला सकते हैं। स्पेसिफिकली बाथरूम डिजाइनर आप बन सकते हो, किचन डिजाइनर बन सकते हो जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि किचन लोग वर्किंग हैं और उनको हर चीज एकदम इजीली एक्सेसिबल चाहिए, तो बाथरूम और किचन डिजाइनर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। फिर आप सस्टेनेबल डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ऐसे करके आप बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। तो आप ये देख सकते हैं इतनी बड़ी लिस्ट है, एक कोर्स करने से इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो दिस इज अ वेरी गुड। अपना हाउस खुद डिजाइन किया है और भाग्यश्री की तरफ से उनको बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड भी मिला है, तो हमारे सामने लाइव एग्जांपल है मैम। तो यू कैन वर्क लाइक दिस और मतलब ना अपने डिजाइन के, अपने क्रिएटिविटी को मतलब एक अलग ही लेवल तक हम ले जा सकते हैं और उसमें बहुत मजा आता है काम करने में। देन नेक्स्ट इज कि हम कुछ ये तो सारे कोर्सेज के बारे में बता दिया कि दिस इज हाउ आप डीआईटी में आकर के 5 साल की डिग्री का कोर्स, चाहे वो बीआर हो, या 4 साल का डिजाइन का कोर्स, चाहे वो इंटीरियर डिजाइन हो या यूएक्स यूआई हो, मतलब वो जो मैंने आपको स्विगी जोमैटो का एग्जांपल दिया था उसके जैसा हो, या फिर विजुअल ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, एक वीजीए कोर्स भी होता है, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने एवेटार मूवी देखी होगी या जिसमें भी, जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वो जो मूवीज बनती हैं वो सब एनिमेशन के थ्रू बनती हैं, तो उसका कोर्स करने से आप ये सब फिल्म इंडस्ट्री या इस तरीके का कोई और काम भी कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव मास्टर्स इन प्लानिंग ऑल्सो, तो आप जैसे बीआर करने के बाद या अपना 5 साल की डिग्री करने के बाद आप मास्टर्स भी हमारे यहाँ से कर सकते हैं, जो कि मतलब अर्बन प्लानिंग मतलब सिटी लेवल पे जो प्लानिंग होती है उसका कोर्स भी होता है। तो हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें से आपको कोई ना कोई आपके इंटरेस्ट का जरूर बैठ सकता है। तो ये तो सारे कोर्सेज के बारे में था,
अब ये थोड़ा सा जो स्लाइड दिख रहे हैं ये हमारे ही कॉलेज के बच्चों का काम है। आप ये देख सकते हैं जैसे कि ये बना हुआ है, एक बंक बेड बना हुआ है जहां पर बच्चों के लिए बेड बनाते हैं ना ऊपर चढ़ के, यू नो, तो वो बंक बेड उसके साथ में, तो मतलब हम लोग ये लाइव बच्चों ने मॉडल्स बनाए हुए हैं और बच्चे इस तरीके से काम करके सीखते हैं। और स्पेस को पीछे आप देख सकते हैं जो ये रेड सा गद्दा जैसा डाला हुआ है उसके पीछे एक ऐसा काला उसमें तो वो रोड है, तो वो जो उसको बाइकिंग वाइकिंग बहुत पसंद थी उस बच्चे को, तो इसलिए उसको उसके हिसाब से पूरे स्पेस को डिजाइन किया है। तो मतलब जो क्लाइंट के हिसाब से हम डिजाइन करवाना बच्चों को सिखाते हैं। एंड तो ये सब सारा यू नो दिस इज ऑल की कैसे मतलब हम स्टेज डिजाइन आर्किटेक्चर को पढ़ाते हैं। पहले आपको एक स्पेस रीड करना सिखाएंगे, तो उसके 7-8 स्टेजेस हैं। तो इंट्रोडक्शन होता है पहले पूरा, फर्स्ट ईयर में पूरा आपको बेसिक सिखाया जाएगा जहाँ पर एलिमेंट प्रिंसिपल सबकी अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, फॉर्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कैसे आप एक ईंट को, पत्थर को, सीमेंट को, कलर को, डिटेल को यूज करके डिजाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप कॉपी नहीं कर सकते हो, तो यू हैव टू हैव समथिंग न्यू। तो उसके बाद स्टेज टू स्टार्ट होती है जहां पर आप अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट्स करना सीखते हो, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, कमर्शियल में शॉप, रिटेल, मॉल एंड सो ऑन। फिर प्रोडक्ट डिजाइन भी होता है जहां पर आप छोटे छोटे आइटम्स को, सोफा, चेयर, ग्लास, पेन एंड ऑल दीज लाइट ल्यूमिनेट्स। अब ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रोडक्ट डिजाइन में हमारे इंटीरियर डिजाइन के बच्चों का पेटेंट भी, यू नो, इट्स ऑलरेडी पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो लाइट होता है लटकाने वाला लाइट और फ्लोर लैम्प, वो बच्चों ने डिजाइन किया था और वो पेटेंट के लिए भी पब्लिश हो चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, अब उस जैसा डिजाइन वो कोई और नहीं कर सकता है। तो ये भी हमारे स्टूडेंट्स ने फैकल्टी की हेल्प से उसको परफॉर्म किया था। और साथ में जितना भी आपके पास पढ़ाई का होगा उसमें बहुत टाइट रोप रहता है, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद मैनेजिंग द क्लासेस। तो जो क्लास चलती है तब आपको पूरा टेक्निकल डिजाइन और उसको कैसे समझ के पेपर पे उतारना है, क्योंकि वो चीज अभी बनी नहीं है, वो घर अभी बना नहीं है, तो उसको कैसे करना है उसका बहुत टाइट रोप एक्ट किया जाता है, जो कि टीचर की मदद से, 2-3 टीचर्स होते हैं क्लास में, उनकी मदद से सारे बच्चों को ब्रीफ किया जाता है। तो इस तरीके का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पर आपकी नॉलेज को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून करके आपको एक वेल परफॉर्मर बना दिया जाता है। तो हमारे बहुत सारे एलुमिनाई बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं, वो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और साथ में बहुत अच्छा नाम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिजाइनिंग एस्पेक्ट से उनका काम भी बहुत रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो ये तो आपको जब आप कॉलेज में विजिट करोगे तो आपको हम बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल्स दिखाएंगे जो वहाँ लिस्ट लगी है। फिर इसके साथ में सिर्फ डिजाइनिंग ही नहीं, जैसे कि गार्डन डिजाइन होता है ना, लैंडस्केप कहते हैं उसको, तो गार्डन डिजाइन चाहे वो छत का हो, चाहे वो आपके घर के बाहर का हो, होटल के बाहर का हो, आपके कॉलेज में स्कूल में भी है, तो वो डिजाइनिंग भी इसमें सिखाई जाती है। तो आप पेड़ पौधों की डिजाइनिंग को, लेआउट को भी आप इसी कोर्स के अंदर ही कवर कर लोगे, उसमें आपको अलग से ना फीस देने की जरूरत है ना अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत है। तो गार्डनिंग हो गई, उसके साथ में इंटरडिसिप्लिनरी आर्ट्स भी हम सिखाते हैं, जैसे कि आप ये आर्ट देख रहे हैं, हिस्ट्री, कल्चर, तो ये इस तरीके की जो आर्ट्स हैं ये भी एक डिजाइनर को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंटीरियर में सिर्फ सब कुछ मटेरियल नहीं लगाते हो, तो थोड़ा सा सॉफ्ट वर्क भी, तो ये इस तरीके का आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर भी हम सिखाते हैं। एंड सॉफ्टवेयर भी सिखाते हैं इसके साथ साथ, तो नाइदर टेक्निकल भी नहीं, उसके साथ में हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, मैं अभी नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा, बट 5-6 सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो बहुत मैंडेटरी हैं, वो सारे हम लोग आपको उसी कोर्स के अंदर सिखाते हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जितनी भी नॉलेज है कि एक जैसे कि आपके किचन का कभी बाथरूम का पाइप लीक कर जाता है या किचन में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो जो बिल्डिंग साइंस और वर्किंग ड्राइंग्स हैं वो भी इसी के अंदर आती हैं। आप सब सीख जाओगे कि ये कैसे करना है, लेबर के साथ काम कैसे कराना है, डिजाइनिंग कैसे करनी है, ऑफिस में कैसे काम करना है और साइट पे कैसे काम करना है। दोनों में फर्क है लेकिन दोनों को सीखना जरूरी होता है जब आप डिजाइनर बनते हो, तो वो सब कुछ इसमें कवर होगा। और साथ में
कम्युनिकेशन, मतलब कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कि आपने डिजाइन कर लिया, आपने सब कुछ बहुत सुंदर बना लिया, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, आप क्लाइंट को समझा नहीं पा रहे हो, तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो हम रेगुलर प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स को, कैसे आप पब्लिकली बात कर सकते हो, क्लाइंट को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो, ये सब कुछ भी प्रेजेंटेशंस के थ्रू, वो कोर्स के अंदर ही आता है, वो सब करते हैं हम इसमें। एंड ये सब कुछ कुछ हैंड्स ऑन वर्कशॉप वगैरह हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग बॉम्बे में ट्रिप लेके गए थे बच्चों को, देखिए आई एम स्टैंडिंग हियर, ऐसे, और ये सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इंडियन आइडल का जो सेट दिखाया था और वो सब, और ये क्लास में मतलब वेस्ट प्रोडक्ट से बच्चों को काम कराते हैं, हैंड्स ऑन वर्कशॉप एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें भी साथ में होती हैं। उनको कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट हम लोग करवाते हैं, तो जो कि कई बार हम लोग डोनेट भी कर देते हैं। तो दिवाली में हम एग्जीबिशन लगी थी और हमारे डिज़ाइन के बच्चों ने उसको, पूरे कॉलेज का हुआ था, तो उसमें हमारे डिज़ाइनर्स सबसे ज़्यादा मतलब ट्रॉफीज लेके गए थे। एंड तो ये सारा दिस इज़ व्हाट वी डू इन डीआईटी। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि और कुछ पायोनियर्स भी हैं जैसे फील्ड में, तो ये आप पहचानते होंगे इनको, लेफ्ट में देखिए कौन है ये, ट्विंकल खन्ना, यस, है ना, ये भी एक डिज़ाइनर, मतलब शी ऑल्सो, ये इंटीरियर डिज़ाइन का काम करती हैं। ये नीचे आप देखिए गौरी खान, मिसेस अंबानी एंड सुजैन खान, तेरा ये जितने भी बाहर मतलब बॉलीवुड के और जो फेमस मतलब जो फ्रेटर्निटी है, वो उनके सारे घर डिजाइंड होते हैं। तो आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि इस इन कोर्सेज का, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या डिज़ाइन हो, इनके सिग्निफिकेंस जो है बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। आपके पास जो क्लाइंट होगा वो बहुत ही एलीट कंपनी, एलीट क्लास का क्लाइंट मिल सकता है, नॉर्मल भी मिल सकता है, बट दिस इज हाउ ये इस तरीके के फील्ड में चलता है। तो ये बहुत हाई एंड भी आपके डिजाइन आगे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक कमरा डिजाइन करके छोड़ देंगे, तो बंगलोज एंड सब कुछ यू हैव टू डिजाइन। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, जहां पर आप अगर डीआईटी से कोर्स करते हो तो आपके पास बहुत सारे औजार आ जाएंगे, यू नो स्किल्स आ जाएंगे जिसको कहते हैं, एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे, आप कॉस्ट में काम करना सीख जाओगे, आप अच्छे से प्रेजेंट करना सीख जाओगे, सोसाइटी में ढंग से अपने आप को पोर्ट्रे करना सीख जाएंगे, प्रोजेक्ट और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को कैसे करते हैं ये कर लेंगे, इंडस्ट्री में मतलब कि मार्केट में कैसे आपको यू नो परफॉर्म करना है वो आप सीख जाएंगे, और फाइनली प्रोफेशनल कोड्स, एथिक्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सब कुछ सीख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू। कोई और स्कूल? जिनको जानना हो कि कैसे डिजाइनर बन सकते हैं या आर्किटेक्चर के क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, वैसे मैम ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट अगर अभी कोई क्वेरी है बच्चे की तो प्लीज आप पूछें। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? मनोनीत। मनोनीत, वेरी गुड मनोनीत, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ऐसी ठंडी जगह पर रहते हैं तो यहाँ का घर का मतलब घर कैसे बनाएं इस हिसाब से? अच्छा, ओके, तो देखिए ठंडी जगह पे रहने के लिए हिल आर्किटेक्चर को डीआईटी में हम लोग जरूर से कवर करते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, यहाँ पे धूप भी एक अलग वे में आती है, तो जो हिल आर्किटेक्चर की जो डिजाइन कॉन्सेप्ट है वो हम कोर्स में कवर करवाते हैं, जहाँ पे आप एक स्लोपिंग रूफ और घर के अंदर किस हिसाब से खिड़की, विंड प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब की बातें जब ये हम जब डिजाइन डिस्कस करते हैं तो आपको उसमें सिखाया जाएगा। और जोन के हिसाब से, मान लीजिए आपको राजस्थान में घर बनाना है तो वो तो अलग जोन है, वहाँ ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, रेत भी है, तो वहाँ पे कैसे घर होंगे, कनाडा में कैसे घर होंगे, देहरादून में कैसे घर होंगे, हर जोन में के लिए बच्चों को हम हर साइट के हिसाब से वो सिखाते हैं। प्लेन लैंड होगी तो और स्लोपिंग लैंड होगी तो हिमाचल में वुडन हाउसेस होते हैं, हाँ, क्योंकि वो भी हिली एरिया है, सिखाते हैं वुडन स्टाइल में भी और उसमें कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, ये कवर करवाते हैं हम। थैंक यू मैम, वेलकम।
बेटा अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो भी क्वेरीज है आपकी आप पूछिए, मैम यहाँ पे अवेलेबल है, आपको आंसर करेंगी वो सारी क्वेश्चंस के। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा नाम बताइए अपना। तमन्ना भट्ट। तमन्ना भट्ट, वेरी गुड। अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम हम आर्ट्स ग्रुप से हैं और क्या हम भी डिजाइन का कोई भी कोर्स कर सकते हैं? आर्ट, हाँ आप आर्ट ग्रुप से हैं? यस। हाँ कर सकते हैं। जो डिजाइन वाले हैं ना, जितना भी मैंने बताया था आर्किटेक्चर को छोड़ के, जो भी डिजाइन में मतलब इंटीरियर डिजाइन और यूएक्स यूआई वीजीए और ग्राफिक डिजाइन, ये सारे कोर्सेज आप आर्ट ग्रुप से भी कर सकते हो, किसी भी स्ट्रीम से। कॉमर्स का है तो भी, आर्ट का है तो भी, 50% आपके 12th में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। वेलकम बेटा। ओके थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू, बाय।